पूरे देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना घर से लेकर मंदिर तक की जा रही है। भक्तों की इस भीड़ में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो माता के लिए अपनी श्रद्धा थोड़े अलग तरीके से जाहिर करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं में से एक है नागेश्वर बाबा। अपने सीने पर 21 कलश रखकर 9 दिन तक सीधे लेटे रहकर नागेश्वर बाबा माँ के चरणों में श्रद्धा और भक्ति के फूल चढ़ाते हैं। धर्म और देश के कल्याण के लिए करीब 50 किलो वजन अपनी छाती पर 9 दिनों तक रखते हैं बाबा नागेश्वर। पिछले 26 साल से मैं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण हो। इस बार माँ चैली पुत्री हाथी पर आ रही है और हाथी पर जा रही है। इस बार भक्तों के झोली बड़ी खुशी उत्साह से माता भर देगी हमारे देश में। ये शक्ति माँ की चरणों से प्राप्त होती है। निष्क्रिया कर्म से वंचित रहना है, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, चुपचाप लेटे रहना है और हवा के द्वारा रहना है। पटना के नौलखा मंदिर में पिछले 26 सालों से सीने पर कलश लेकर 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना करने वाले बाबा नागेश्वर से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए नौलखा दुर्गा प्रांगण में बाबा का 26वां साल है। अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर अपने सीने पर हर साल 21 कलश बैठाते हैं और माता के आशीर्वाद से सब चीज कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। बिहार के कोने कोने से भक्तगण आते हैं, माता बहने आती हैं, उनके ठहरने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं और बाबा का प्रसाद का ग्रहण करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। ये बहुत सात्विक पूजा है और इस वर्ष तो 2 साल कोरोना काल के बाद अभी वंचित हम लोग हुए हैं। इस वर्ष और काफ़ी भीड़ रहेगी और माता का दर्शन करने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। अभी 21 कलश से देखिए कुछ कष्टें हो गई हैं कि कलश काफ़ी लंबे हो गए हैं, इसलिए कलश बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो हर साल एक कलश बढ़ते थे, इसलिए 21 कलश पर हम लोगों ने स्टॉप किया है। भक्ति में ही शक्ति है। जब हम लोग नवरात्र में रहते हैं, जब तक ले माता का कृपा नहीं होगा, इसका वजन 40 से 50 केजी से कम नहीं है। ये माता के ही भक्ति से में जो लीन है, उनके शक्ति से ही ये कलश लेकर लेटे हुए रहते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने वालों और व्रत करने वाले भक्तों पर माँ की विशेष कृपा होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की पूजा 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक की जाएगी। 5 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरा पर्व मनाया जाएगा।